के बताएंगे। उन्हीं के नाम का ना सिंदूर अपने मांग में भरती थी, उनके नाम का ना मंगलसूत्र पहनती थी। पहनती थी कि नहीं? वो 5 साल पहले ही मर गया बेटा। सिंदूर मिटाना है, ये लीजिए मिटाइए मिटाइए, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात सुन, प्लीज मुझे फांसी लगा दो, मुझे मरना है। तो हां जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाशवाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों मैं प्रकाश है, मेरे भैया हैं, इसका नाम सोनाली है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में बताएं क्या। तो सोनाली, जिस रीजन से आप 2 दिन से लगातार हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, तो जो आप हमसे आपको बात करना है, आप रस्सी ली हो, कुछ दवा भी ली हो, तो क्या क्या चीज़ है, क्या रीजन से लाए हो, आप रो भी रहे हो, तो जो भी बात है ना, एक बार ऑन कैमरा बताओ। रोने से कुछ होता नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है भैया? मुझे नहीं जिंदा रहना है, मेरे को जहर दे दो, फांसी लगा दो, मुझे मरना है। क्या मतलब? मेरे को मरना है, मेरे को जिंदा नहीं रहना है। क्या तू सही में? जानते हो मरता कौन है? कायर लोग मरते हैं, लड़की तो अपना नाम बनाती है। इतना परेशान कर रखा है कि मैं क्या बोलूं, मैं किस जिंदा नहीं रह पाऊंगी ऐसे रोज ताने सुन सुन करके। क्या हुआ है तू कुछ बता। उस दिन तो तुम्हारे पापा मान भी गए थे यार। नहीं मान रहे, वो भाई शादी की रट लगा रहे कि शादी कर शादी कर। देखो वो गलत नहीं है, हमें बात उनका कहना भी तो सही है, अगर इसके लिए तुम। पर मुझे शादी नहीं करनी, मेरा मन नहीं मानता कि मैं शादी करूं दूसरी। लेकिन क्यों नहीं करना है, कोई तो रीजन होगा। मान लो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 10 साल उनको नहीं आए हुए कहीं, अगर लाइफ टाइम नहीं आए कहीं, तो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया हो, तो फिर क्या करोगे? जिंदगी भर ऐसे रहोगी, कंवारी रहोगी। दोस्तों एक बात हम आप लोग बताना चाहते हैं, आप लोग अगर नहीं देखे होंगे हमारे वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके इसका शादी हुआ लगभग 10 या 10.5 साल हो गए, तो इसका पति इसको छोड़ के 10 साल से गायब है। आज तक ना एक फ़ोन किया ना कुछ किया। तो कोई पिता अपने बेटी को लेकर परेशान होगा ही, अगर हम मर जाते हैं तो मेरे बेटी को कौन देखेगा? पढ़ी लिखी हो तो तुम, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। ए मरने का ख्याल कब से है? रस्सी, ये दवा क्या चीज़ का है? पॉइजन है। तो ये सब लेकर घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? इसे घूमने से क्या हो जाएगा ये सब चीज़? पहले तो सबसे घटिया काम यही है, मरने से हर चीज नहीं। क्यों बुलाई? फंसाने के लिए बुलाई होगा, कोई प्लान तो नहीं कर रही हो आप? नहीं। तो फिर ये रस्सी छोड़ो, ये दवा हुआ खाने के लिए कर, तो इसको जब यही करना था तुमको नहीं बुलाती है? रोने से हर चीज नहीं होता है, भरोसा रखो भगवान पे। भगवान पे भरोसा है आपको तो भरोसा रखो, बात खत्म। कितना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हर बार एक चीज, हर चीज में टॉर्चर हो जाते हैं। शादी कर शादी कर, मैं कहाँ जाऊंगी शादी करने? तो तुम्हारे लिए सही तो सोचते हैं कौन? मुझे नहीं करनी शादी। कोई बाप बेटी के लिए गलत नहीं सोच सकता है, जो तुम्हारे लिए सोच रहा है अच्छा ही सोच रहा है। तुमको बचपन से यहाँ तक वो लेके आए, और तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे 1 से 10 रुपए तक वो तुमको दिए हैं, तो तुम्हारे लिए गलत सोचेंगे। तुम्हारे लिए अच्छे ही सोच रहे हैं। जो इंसान 10 साल से तुम्हारे पास नहीं आया, क्या भरोसा है कि तुम्हारे पास वो आएगा? तो उसके नाम का सिंदूर कब तक तुम लगाओगे? आज नहीं तो कल तुमको इसको हटाना ही होगा, किसी और के नाम का सिंदूर तुमको अपने मांग में भरना होगा। नहीं, तुमको नहीं भरना है। तो किस रीजन से बुलाए हो आप? इतना मैसेज कर रहे थे भैया एक बार मिलना है, मिलना। मेरे पापा को मना कर दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बस समझाना है पापा को। घर से भागी थी, मैंने पापा को कॉल भी करी थी, पापा नहीं माने इस चीज को। आप प्लीज एक बार कॉल करके मुझे बुलाइए ना। आपके कहने का मतलब है आप अपने पापा को बुलाए हो? तो बात करो, अच्छी बात है। उन्हीं को बोलना कि पापा ये रस्सी है, ये दवा है, आप इसको हमको खिला के मार दो, हमको दूसरी शादी नहीं करना है। हमसे अच्छा उदाहरण वो आपको देंगे, हमसे अच्छा वो सुधारेंगे आपको, अच्छे ज्ञान हो देंगे। क्योंकि उनकी या बेटी हो जिसका संतान हो ना, उसको दर्द होता है। उस दिन जो मिले थे वो तुम्हारा घर थे या तुम्हारे पापा घर? वो हमारा गुआस था। तुम्हारा गुआस था वो? मैं गाय भैंस भी दिख रहा था। तो ठीक है, एक बार एक माइक है तुम छुपा के रखो, हमसे अच्छा वही तुमको समझाएंगे। और उनके समझाने के बाद भी तुमको अगर लगे कि हम लोग तुम्हारे साथ गलत किए हैं वीडियो बना के, तो तुम बोलना हम लोग वीडियो डिलीट कर देंगे। तुमको जैसे रहना होगा तुम रहना, ठीक है? ये माइक में तुम छुपा लो, रस्सी दवा तुम ना रखे रहो। उन्हीं से बोलना कि हमको पापा मर जाना, लाइफ से प्यार हमको नहीं है, तो हमसे अच्छा होगा तुमको सुधारें और तुम समझाएंगे। और तुमको यहाँ जब इतना होगी ना तुम, तो तुमको उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाए होंगे,
तो तुम्हारे दिमाग में आंसू आता होगा, तब दर्द उनको होता हो, तो हमसे अच्छा वही जानते होगा तुम्हारा दुख तकलीफ को। पर्दे तुम रोती होगी ना, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे दिमाग में तो कचरा भर तो करना पड़ेगा बेटा, बिना कोऑपरेट किए होगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे बाप है, तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है। A few moments later. आप बैठे दो दिन से, तो थोड़ी शर्म है, लोई लाइक इज्जत है, है? पापा इतना सुनाने से अच्छा मेरे को एक ट्रस्ट दे और जेल लेके मार दो बस, मुझे मरना है। मुझे फांसी लगा दे, तू चाहती क्या मेरे से? बेटी पैदा करने का गुनाह है क्या? तेरी माँ नहीं है तो बाप की तरह माँ की तरह सारा प्यार किया है, क्या कमी छोड़ी मैंने तेरे को? आप इतना रोज बोलते रहते, मैं तो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हुआ, प्लीज आप मुझे मार दो। दो दो दिन से तू मार दो, चिंता है बाप की, जहर खिला के मार दो मुझे। बाप कैसे रह रहा होगा, किसके बजाय कहाँ पूछे क्या करेगा, तो शर्म है थोड़ी सी, है ये गोलियां खा रही है, इज्जत समाज पर तो शर्म है, थोड़ी शर्म है, इज्जत क्या है? ये फांसी लगा, मेरे को फांसी लगा दे, ये मेरे लगा दे, गले फांसी लगा दे, मेरे को लगा दे, मुझे जहर दे दे, मर जाऊंगा जो मर्जी कर लियो, समझेगी? कहाँ जाओ तुम ढूंढने, लोगों को पता बताओ कि मेरी भाभी ने भाग गई घर से, क्या बताऊं लोगों को, थाने में जाऊं, पुलिस पुलिस घर में आएगी, क्या बताऊं समाज में, थोड़ा दिमाग के दाग कर तेरी है नहीं है, कितना दूर समझाता हूँ, बूढ़ा बाबू तेरा मैं, तेरी माँ नहीं है, तू अकेली है, और तेरे सारे सोच दिए मेरी जिंदगी के, क्या कभी छोड़ दी बता तेरे को, अब दूसरी शादी कर ले तो कर ले, बाम सिंदूर डाल के घूम रही है, नहीं करना पापा, नहीं करना मैं शादी, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना, तू क्यों नहीं समझते इस बात को, देख ये समाज जीने नहीं देता बेटा, ये समाज नहीं जीने देता, तू समझ इस बात को, समझ बेटा इस बात को, समझ, तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं तो बुरा करूंगा, ये बता मुझे, मैं तो बाप हूँ, सारी रात नहीं सो पाता, दो दिन जिसके बाप की बेटी जवान घर से भाग जाए, चली जाए, कहाँ गई, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, पता, थोड़ी शर्म लाज लोगों के बीच में, मेरी इज्जत थोड़ी परवाह नहीं तेरे को, है? कुछ हो जाए, कोई मार दे, कुछ इज्जत लूट ले, कुछ कर ले, बेटा कहाँ जाऊंगा मैं, किसको मुंह दिखाऊंगा, किसको दिखाऊंगा पता, बापू मैं इतना टॉर्चर भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, शादी कर ले मुझे, बेटा मेरे बात सुन, जिंदगी में तू ही तो मेरा खून है ना, कोई और तो नहीं है ना, तेरी माँ नहीं है, तेरा बाप हूँ, तेरा बुरा चाहूंगा बेटा मैं, कभी चाहूंगा, आपने बोला था ढूंढूंगा, आपने ढूंढा भी नहीं उसको, मैंने बेटा ढूंढा, उस दिन के सामने वो आए थे, उनको बताया सारा, लेकिन मैं बेटा मान जा मेरी बात, प्लीज मुझे फांसी लगा दो, मुझे मरना है, ऐसे मत कह, तुम मुझे लगा रहे फांसी, तुम मुझे फांसी लगा रहे, मैं तो नहीं जी सकती, आपको मेरा सिंदूर मिटाना है, ये लीजिए मिटाइए, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, प्लीज बाप ही जानता है बेटे का दुख क्या होता है, तू नहीं जानती, जिंदगी एक बाप ही समझ सकता है, इसके पीछे कोई नहीं ना, तेरी माँ ना कोई, आपने ढूंढा भी नहीं, आपने कहा था ढूंढूंगा, आपने ढूंढा भी नहीं उसको, कैसे ढूंढूं, वो 5 साल पहले ही मर गया बेटा, क्या 5 साल पहले ही मर गया बेटा, आपने बताया क्यों नहीं, तू हार्ट पेशेंट है बेटा, मैं तो को नहीं बता पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, अब तो घर से भाग रही है, सिंदूर लगाए घूम रही है, उसका मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बेटा 5 साल पहले उसकी डेथ हो गई बेटा, वो रोड एक्सीडेंट में मर गया, समझ गई, मैं इसी दिन बाप में बोलता हूँ शादी कर ले, तू मेरे साथ समझती नहीं, आज मुझे हार के बताना पड़ा तुझे बेटा, लेकिन तू हार्ट पेशेंट है, मैं तो इसलिए बताया कि तेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, सेंटर अपने दुख से संभाल पाएगी, पापा आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती इस बात को, नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, मैं सच बोल रहा, झूठ बोल रहे हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, संभाल अपने आप को, मैं इसीलिए नहीं बता रहा तेरे को कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बेटा, इसलिए नहीं बता रहा, चुप हो जा, इसीलिए मैं तुझे कहता शादी कर ले, बार बार शादी कर ले, लेकिन आते हालत देख के ना एक बाप नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तुझे सच बताना पड़ा, कैसे कर ले शादी, मेरा तो सब कुछ लूट गया, तो वो बहुत पहले लूट गया बेटा, उसको भूल जा, उसको भूल जा, भूल जा, शादी कर दूंगा अच्छी जगह बेटा, उसको भूल जाओ, पापा आप झूठ बोल रहे, मैं नहीं मानती इस बात को,
नहीं मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे क्यों झूठ बोलूंगा? आप झूठ बोल रहे हो। मैं तेरे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा। भाई तेरी प्रॉब्लम थी हार्ट की बेटा, इसलिए तेरे को बता नहीं पाया मैं। आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बेटा, नहीं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तेरी मरी माँ का सब खा कह रहा हूँ कि वो मर चुके। क्या फायदा इन सब चीजों का जब मर गया था वो? ये लो आपका मंगलसूत्र, चीजें ना लो। मैं क्या करूंगा इस मंगलसूत्र का? मैं तुझे इसीलिए नहीं बता पा रहा था, अपनी छाती पे एक दर्द लेके जी रहा था, आज मेरे से नींद आ गया बेटा, इसलिए तो दर्द थोड़ा बता दिया मैंने। अब तू तो उसे शादी कर ले, तो मेरी बात मान जा, अब तक सबको बता दिया, अब तो मान जा, समझ जा बेटा इस बात को, समझ जा। एक बूढ़ा बाप घर से प्रार्थना कर रहा है, तो मान जा शादी कर ले, और उसको भूल जा, अब ली वो जिंदगी में तेरी, और 5 साल हो गए उसको मरे हुए। 5 साल तेरी हालत देखी नहीं जा रही बेटा मेरे से, अब तो शादी कर ले बेटा, मेरी बात मान, छोड़ दे अब। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, इसलिए तेरे को नहीं बता रहा, तेरी रात खराब हो जाएगी। आप हमसे क्यों झूठ बोले उस दिन? मैं सब सबसे बोला ही नहीं क्या? सबसे पहले तो ये सब चीज इतना दिन छुपाने वाला चीज है, जो उस दिन आप कर रहे थे उससे इसके हार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। जबरदस्ती इसके मांग का सिंदूर धो रहे थे, इसको सच्चाई बताते। दिल का बात बोल रहे हो आप? आपके आपके कारण वो बीमार पड़ी है बेटा, मेरी बेटी में खून है इतना बड़ा, हमें पता है इतना बड़ा इसको सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन आप जो इसको बड़े परेशान करते थे, ये 5 साल तो हो गया उसको मरे हुए, 5 साल उसी ने इंतजार में थी, आज नहीं तो कल हमारे पति हमारे पास आएंगे। उन्हीं के नाम का ना सिंदूर अपने मांग में भरती थी, उनके नाम का ना मंगलसूत्र पहनती थी कि नहीं? इसीलिए मुझे भी खुन्नस आ गया, सिंदूर लगाया, मैं जब मर चुका है तो है नहीं दुनिया में, क्यों लगा? बताना चाहिए था ना उसको, गलती तो अभी ना की हो। 5 साल से झूठ बोल रहे हैं, 5 साल से ड्रामा बना रखे हो आप लोग यार। वो हार्ट का बीमारी उसको आप बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो आप। उसको सच्चाई बता देते ना तो थोड़ा दिन परेशान रहती। अब नहीं बता, एक्सीडेंट जो होता है ना, आदमी का मरण और जीवन इतनी बड़ी सच्चाई आपके हाथ में नहीं होता है, भगवान के हाथ में होता है। भगवान जो लिख के भेज देता है ना वही होता है, हम लोग बस में खेलते हैं। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं, अब 2 दिन तो मेरे बर्दाश्त, अब अभी बर्दाश्त, अब मेरे से नहीं रहा गया। अब मैं इसको बोला अभी जैसे घर से निकली थी, अगर कहीं कोई घटना घट जाती 2 दिन से बेहतर परेशान हूं, बिना खाया पानी पिए 2 दिन घर से गायब का रही, आप इतना परेशान हो। जिसका पति 5 साल से बाहर है वो लड़की कितना परेशान होगी, आप कभी सोचे हो? अपने आप से पूछे हो? मेरा हार्ट पेशेंट है, मैंने 5 साल पहले मर गया, 5 साल से गायब, 10 साल सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं बता। अभी बर्दाश्त की क्या नहीं? अब इतना होने के बाद हद ही पार कर दी, घर से भागने निकलना शुरू कर दिया, ऐसे ढूंढने के लिए कहां, जब है ही नहीं दुनिया में, कहां मिलेगा? आपको पहले बताना चाहिए था ना, आप भी गलत हो ना। बताया क्यों नहीं आपने? पाप बेटा मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं सिर्फ तेरे हार्ट की वजह से कि मैं तेरा खो ना दूं। बैठो भैया, देखिए एक बात बोले, ये जो रस्सी लेकर आई है आप इसको फांसी लगा दो ना तो सबसे अच्छा रहेगा, मर जाएगी। कैसे लगा, खून के टुकड़े को कैसे लगा दूं फांसी? तो खून के टुकड़े को 5 साल से पड़े ना रो रही होगी आप। अगर आप इसको सच्चाई बताते तो इसको थोड़ा देर तकलीफ होता, लेकिन उसके बाद फिर खुश हो जाती। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? आप जो कर रहे थे ना पहले से, इसका वो आपके बेटी पर नहीं होता है, जो मम्मी पापा करते हैं ना उसका भुगतान बेटा बेटी करता है, वही हो रहा है। आप जो गलत काम करते थे ना पहले उसी का हो रहा है। अगर आप सही होते ना अपने जगह पे तो आपकी बेटी को आज कुछ नहीं होता है। उसका तो मैं सबसे माफ़ी मांग लिया बेटा, यहाँ माफ़ी मांगो, सब कैमरा लगाए रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे माफ़ी मांग, कितने चैनलों पर गए हो, क्या क्या आप किए हो, सबसे माफ़ी मांग लिया बेटा। आज अपने खून पे आए तो आप आ गए ना लाइन पे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपना खून है ना तो अपना खून, गलती करेगा तो कैसे बर्दाश्त होगा? 5 साल से मुझे पता खून के आंसू बहा रहा हूँ कि नहीं बताऊँ, कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ। अब ये भाग रही घर से निकल कर मेरे से नहीं रहा गया, अब मैंने उसको हाथ जोड़ दिया भाई 5 साल पहले। एक बात बता बाबू, तू शादी करेगी दूसरी? करेगी, देखो अब लाइफ बर्बाद करने से कुछ होगा नहीं, समझ रहे मेरी बात को?
बहुत जिंदगी बचे, एक के जाने से किसी का लाइफ अधूरा नहीं रहता है, आदत की बात होती है, धीरे धीरे बदल जाती है। अरे बाप को देख अपने, कब तक जिंदा रहूंगा मैं, समझा समझा थक गया, जब वो नहीं आ गए मेरे से तो मर गए। अब भैया मेरे को गलत कहो, जो मर्जी का नहीं बना सकता, सबके जिंदगी में आज नहीं तो कल आना ही, तब उसके लिए ये थोड़े के आपको जबरदस्ती छोड़ दिए, भगवान ने उनको ले लिए। तो भैया जो नहीं बोल रहे, मौत एक ऐसा सत्य चीज है, सबको जाना पड़ता है, कोई अमर नहीं है जो इस पृथ्वी पे आया ना, एक ना एक दिन सबको जाना है। श्री रामचंद्र जी को जानते हो, वो भगवान थे ना, भगवान के अवतार थे, जब वो जा सकते पृथ्वी को छोड़ के, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो उनके बनाए हुए कठपुतली हैं, हम लोग खेल रहे हैं, ये रंग मंच है, इस पर हम लोग खेल रहे हैं, एक दिन टिकट कटेगा, हम लोग भी चले जाएंगे प्लेन में बैठ के। वही तो मैं समझाता हूँ इसको, आपको उस दिन समझाया, समझो जितना उम्र बचा हुआ ना उसमें हंस खेल के जी लो, ऐसे भी तुम हार्ट के पेशेंट हो तो पापा जहाँ बोल रहे हैं उसका पहले इलाज कराओ, अगर पैसे की दिक्कत है तो हमसे बोलो, हम से ले लेना, इसका कहीं ढंग से इलाज कराओ, ढंग से शादी कर लो, जितना उम्र तुम्हारा बचा हुआ, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ होगा, 27-28 साल का तुम्हारा भी एज होगा, तो अच्छा रहेगा तुम जाके कहीं शादी कर लो, किसी के सहारे रहो, इधर उधर भटकने से कुछ होगा नहीं, पता लग गया ना तुम्हारे पति देव, तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, भगवान ने उनको उठा लिए हैं इस दुनिया से, तो सबको जाना है, हम बोल रहे हैं ना हम भी एक दिन मरेंगे, ये सत्य है कि जाना है तो जाना है, जो आया है उसको जाना ही होगा। मेरे भी छाती में बाहर था बेटा, मैंने हल्का किया, तेरे को तुझे शादी करेगी अंकल, ले जाओ अब समझा देना इसको, समझा के बेटा जैसे करो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, उनको सपोर्ट करना, ठीक है बेटा, ये ले लीजिए, उनके नाम का मंगल सूत्र है, इसको गंगा जी में या कहीं भी इसको विसर्जित कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, चलिए ठीक।